हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी ईद मेकअप ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप करने से पहले मेरी एक बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी फर्स्ट ईद होती है वो समर्स में आती है, और समर्स में स्वेट प्रूफ मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्वेट प्रूफ मेकअप करके दिखाऊंगी, प्लस आपको कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ में अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी जिसको सभी कोई हर कोई फॉलो कर सके। और जैसे कि आपने ईद के कई सारे मेकअप देखे होंगे ऑनलाइन, मैं वैसा है मेकअप नहीं करने जा रही हूँ। मेरा मेकअप मीडियम टू लाइट होगा, ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ऐसा मेकअप जो हर कोई कैरी कर सके, बस आसानी से समझ सके। और मैंने हेयर स्टाइल भी काफ़ी सिंपल रखा है फ्रेंड्स। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे किसी भी लाइट लोशन से। तो मैंने यहाँ लिया है निविया का 48 आवर्स हाइड्रेटिंग लोशन, जो बहुत ही ज़्यादा स्किन को लाइट रखता है, फ्रेश रखता है, प्लस ऑयल फ्री भी रखता है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप कम से कम आइस क्यूब से 10 मिनट अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं, वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है समर्स में। और 2 मिनट बाद मैं बेस बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स हैं, डार्क एरियाज़ हैं माउथ पर, फोरहेड पर। तो मैं कलर करेक्टर यूज़ करूंगी। ये लिया है मैंने एलेगल का प्रो कंसीलर, और ये ली है मैंने रेड लिपस्टिक। तो जिसके पास एलेगल प्रो कंसीलर नहीं है उनके लिए मैं ये दिखा रही हूँ रेड लिपस्टिक से आप कैसे हाइड कर सकते हैं। और इसको मैं रब कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मैं यहाँ फाउंडेशन में लैक्मे सन एक्सपर्ट जो सनस्क्रीन है वो मिक्स करके लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ लैक्मे परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन लिया है जिसमें मेरा शेड है पर्ल, और मैं ये लैक्मे सनस्क्रीन इसमें ऐड कर लूँगी। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी ताकि मेरा फेस जल्दी काला ना पड़े, डल ना पड़े, और जो मेरा टेक्स्चर है फाउंडेशन का वो काफ़ी स्मूथ रहे, फ्लॉलेस रहे। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, नेक तक अप्लाई करूंगी, और मैं अपनी आईज़ पर बेस लगाऊंगी। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। तो ये कंसीलर लिया है, ये यूज़ कर रही हूँ, आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर, और इसको आप पाउडर से सेट कर सकते हैं कॉम्पैक्ट से। अब इसके बाद मैंने ये काजल लिया है और ये ब्रश लिया है, इससे मैं अपनी ब्रोज़ को सेट करूँगी। अगर आपके पास जेल लाइनर है तो वो कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मेरा ट्रिक। और ये मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट शेड आई शेडो ले सकते हैं। और अब मैं अपने आईज़ पर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, आई मीन आई शेडो एज ए आई शेडो। तो जिसके पास आई शेडो अगर नहीं है तो वो लिपस्टिक ले सकता है। तो मैं पिंक शेड लिपस्टिक ले रही हूँ, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। और यही मैं मैंने काजल लिया है, इसको मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी, थिक लेयर अप्लाई करूँगी। अगर किसी का ब्लैक शेडो है तो वो यूज़ कर सकता है, अगर नहीं है तो वो काजल ले ले और काजल इसको दोनों आईलिड्स पे अप्लाई कर ले, और फिर उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इन सबको। देखिए कट क्रीज एरिया की तरफ से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ मैंने लिया है लैक्मे आइकॉनिक काजल, और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास नहीं है ब्रश तो आप कॉटन बड भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई किया है कॉम्पैक्ट ताकि मेरा जो काजल है वो मेल्ट ना हो, तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये लिया है मैंने लाइनर, तो वाटरप्रूफ लाइनर मैं लगा रही हूँ, और मैं अपर एंड लोअर दोनों लैशेस की तरफ लगाऊँगी ताकि मेरा जो काजल है लोअर लैशेस की तरफ से वो मेल्ट ना हो। आप देख सकते हैं मैं पतली लेयर अप्लाई कर रही हूँ, लाइनर को मैंने ऊपर की आईलिड पे भी लगाया। ये लिया है मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा, ये एडीएस का यूज़ किया है मैंने। अब इसके बाद मैं साइड से पोंछ लूँगी जो एक्स्ट्रा मेरा शेडो बाहर निकल रहा था ताकि मेरे आईज़ थोड़ी स्मोकी टच दें। आप चाहे तो टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं करूँगी कंसीलिंग, तो मैं यहाँ फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरे पास कंसीलर है बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आपने जो फाउंडेशन शेड लिया था बेस बनाने के लिए आप उसी से कंसीलिंग कर सकते हैं। तो अंडर आइज़ कर रही हूँ कंसीलिंग मैं अपने फोरहेड पे, नोज़ ऑफ सेंटर, क्यूपिड और
चिन पर भी कर रही हूँ और उसको ब्लेंड कर लूँगी मैं अच्छे से। याद रखिए आपको लिक्विड फाउंडेशन लेना है। अब मैं कॉन्ट्रोरिंग करूँगी, तो जिसके पास कॉन्ट्रोरिंग स्टिक नहीं है, कॉन्ट्रोलर नहीं है, वो अगर उसके पास आई शेडो पैलेट है उसमें से आप ब्राउन शेड ले सकते हैं, या फिर आपके पास ब्राउन शेड की कोई लिप लाइनर या लिपस्टिक है आप उससे भी कॉन्ट्रोरिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये स्टिक है तो मैं इसी से करके दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ और इसको अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, तो इसके लिए मैं एक ठंडे पानी में ब्लेंडर को स्क्वीज़ करके निकाल लूँगी। ठंडा पानी मैंने इसलिए लिया है ताकि कॉम्पैक्ट मेरा अच्छे से सेट हो जाए, प्लस मेरे को जल्दी से पसीने ना आए। और ये जो हमारा कॉम्पैक्ट ये जो यूज़ करने का तरीका है, इससे क्या होता है कॉम्पैक्ट हमें फ्लॉलेस रहता है, कहीं से ड्राई नहीं पड़ता या फिर जल्दी पसीने नहीं आते, इसलिए मैंने ये ट्रिक यूज़ की। अब मैं लिपस्टिक शेड ले रही हूँ पिंक, उससे मैं ब्लशिंग करूँगी और उसको भी मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं इसके ज़रिए। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कट डालूँगी, जिनका फेस राउंड होता है उनको कट चाहिए होते हैं, तो ये मैंने लिया है स्क्वायर कट एक स्पॉन्ज और इसको मैंने कॉम्पैक्ट में लगा कर अब मैं यहाँ से कट दूँगी ताकि मेरा शेप अच्छे दिखे फेस का और मेरे फीचर्स काफ़ी उभर के आएँ। तो आप इसकी जगह कोई स्केल भी ले सकते हैं या कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ ह्यूडा ब्यूटी की मैट पिंक लिपस्टिक ले रही हूँ और ये मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट शेड का कोई भी आप आई शेडो ले सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ आई लैशेस। अगर आपके पास आई लैशेस नहीं है, आपको लगाना नहीं आते, तो आप सिर्फ मस्कारे से ही काम चला सकते हैं। अब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी, तो मैंने बाल जब गीले थे तो मैंने इनको फोल्ड कर लिया था और ताकि मेरे कर्ल्स निकल कर आएँ। तो देख सकते हैं मेरे कर्ल्स हो चुके हैं बालों में थोड़े थोड़े। अब मैं साइड की तरफ पार्टीशन करके पासा अपने बालों में ऐड कर लूँगी लाइक दिस। फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फाइनल ईद मेकअप लुक। और फ्रेंड्स, इस मेकअप में मेन बात ये रही कि मैंने इस वीडियो में लैक्मे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट और लैक्मे सनस्क्रीन क्रीम यूज़ किया था, जिसने मेरे मेकअप को काफ़ी लंबे समय तक टिकाया। मैंने इस मेकअप को कम से कम 4 आवर्स से भी ज़्यादा अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों प्रोडक्ट का यूज़ करके अच्छा मेकअप, स्वेटर मेकअप बना सकते हैं अपना समर्स में। तो फ्रेंड्स, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।